गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पर हम बात करते आयनन ऊर्जा की, और आयनन ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी विलगित गैस से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है बच्चों। कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्मा शोषी। और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले ये निम्न कारक थे आपके पास में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इनके उदाहरण क्या क्या होंगे, कैसे कैसे हम आयनन ऊर्जा निकालते हैं तत्वों के बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास में एक उदाहरण दिया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तत्व हैं बच्चों आपके पास, ठीक है। और इन तत्वों को इनके आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन क्या हो गया कि आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखो, बढ़ता क्रम। अब बच्चों, आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये जो तत्व है ना सारे के सारे, ये हमारे पास में आवर्त सेकंड, दूसरे आवर्त के तत्व हैं बच्चों। और जब हम इधर से इधर जाएंगे, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं बच्चों आवर्त सारणी में, तो आकार क्या होता है हमारे पास में, कम होता है बच्चों। आकार क्या होगा? कम। और देखिएगा, जब आकार क्या होगा ज्यादा, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम। लेकिन जब आकार क्या होगा? कम, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी बच्चों? ज्यादा। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या होगी आपके पास में? बढ़ती जाएगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी आपके पास में? लगातार बढ़ती जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए था कि सर आयनन ऊर्जा का मान ये हो जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आयनन ऊर्जा तो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी हो जाएगी? नियोन की। और मैंने बोला था कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान अक्रिय गैसों का पाया जाता है, क्योंकि उनके पास में पूर्ण भरा हुआ कक्षक होता है, अतः इनका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है बच्चों। लेकिन बच्चों, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखनी है, कक्षकों का स्थायित्व। क्या देखना है हमें? कक्षकों का स्थायित्व, कि आधे भरे हुए कक्षक व पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अपने से आगे वाले एक तत्व से क्या होता है? ज्यादा। तो अतः इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, आपके पास में अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 और 2s1, क्योंकि तीन नंबर पे, ये चार पे, ये पांच पे, ये छह पे, ये सात पे, ये आठ पे, ये नौ पे, और ये कितने पे हो जाएगा बच्चों? दस पे हो जाएगा आपके पास में। कितने पे हो जाएगा? दस पे। तो बच्चों, ये बात तो ठीक है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2s1। इसका बच्चों क्या होगा? 2s2। इसका क्या होगा? 2p1। इसका क्या होगा? 2p2। इसका क्या होगा? 2p3। इसका क्या होगा? 2p4। इसका होगा 2p5। और इसका होगा 2p6 बच्चों। पहला जो पॉइंट था वो हमारे पास में था बच्चों आकार का, कि आकार जो होता है वो आयनन ऊर्जा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये आना चाहिए बच्चों, लेकिन आंसर ये ना आकर हमारे पास आंसर ये ना आकर आंसर क्या आएगा देखते हैं, कि निम्न दिए गए तत्वों को इनकी आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारे पास में देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लिथियम, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो आकार क्या होगा? कम होगा। तो लिथियम का आकार सबसे ज्यादा, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम। अब हमारे पास में कौन आ रहा है? बेरिलियम। तो बच्चों देखो, बेरिलियम के पास में क्या आ रहा है? 2s2 आ रहा है, और H2 का मतलब ये होगा कि H जो होता है बच्चों, H में हम अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। H का मतलब एक कक्षक, और एक कक्षक मतलब एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हमें? दो। P में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बच्चों? तीन डब्बे आते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। P में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मैक्सिमम छः। अब बताओ H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो हैं। क्या ये आधा भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है बच्चों, पूरा भरा हुआ है। और हमने बोला था कि आधे भरे हुए वह पूरे भरे हुए, देखो पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित। क्या बोलूंगा इसको? पूर्ण पूरित मतलब पूरा भरा हुआ। इसको बोलूंगा आधा, इसको बोलूंगा पूरा। ये कैसा होगा? आधा। और ये कैसा होगा? पूरा भरित, पूरा भरित होगा। तो आधे भरे हुए व पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अपने से आगे वाले या फिर बोले अन्य तत्वों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। तो देखते हैं बच्चों, ये जो है H2, ये आपके पास में पूरा भरा हुआ कक्षक है। तो इस पूरे भरे हुए कक्षक का स्थायित्व अपने से आगे वाले एक तत्व, तो इससे आगे कौन है? बोरोन है।
की तुलना में क्या पाया जाता है, ज्यादा। अतः इसकी आयनन ऊर्जा का मान, अतः इसकी आयनन ऊर्जा का मान इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। वापिस सुनो बच्चों कि आधे भरे हुए पूरे भरे हुए कक्षकों की आयनन ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले, अपने से आगे वाले एक तत्व से क्या पाया जाता है, ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ एक तत्व लेना है, दो नहीं लेने बच्चों आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम, फिर कौन आएगा, बोरोन, और फिर कौन आ गया, बेरिलियम। क्योंकि बेरिलियम की ऊर्जा से क्या होगी बच्चों, अब ज्यादा होगी। अब आगे चलते हैं कार्बन, अब कौन आ गया बच्चों आपके पास में, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कैसा भरा हुआ आपके पास में, आधा भरा हुआ, देखो P3, क्योंकि P में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6, लेकिन हमने कितने रखे यहाँ पर, 3। तो बच्चों 3 है, तो 3 के बाद मतलब ये हुआ ये आधा भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ, तो इसकी जो ऊर्जा का मान है इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा बच्चों, फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, नियम। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास में नियोन जो है बच्चों, ये होती है अक्रिय गैस, क्या होती है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैसों का स्थायित्व आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अतः इनकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण के बच्चों। मान लो बच्चों हमें एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये हमें तत्व दिए गए और बोला गया कि निम्न दिए गए तत्वों को उनकी आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर। हम क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा का क्रम, हमें इन तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा का क्रम ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जो तत्व है आपके पास में वो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, और आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे बच्चों, यहां से यहां, ये देखो इसका परमाणु क्रमांक 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो जब इधर से इधर जाओगे तो आकार क्या होगा आपके पास में, बढ़ेगा, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी आपके पास में, घटेगी। तो हम आंसर क्या बोलेंगे कि सर ये वाला आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये आंसर है नहीं होता, क्योंकि हमें पता है, हमें चौथा पॉइंट और भी देखना है, कक्षकों का स्थायित्व, क्या देखना है, कक्षकों का स्थायित्व। तो आधे भरे हुए कक्षक व पूरे भरे हुए कक्षकों का आयनन ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले एक तत्व की तुलना में क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो बच्चों आंसर ये ना होकर आंसर क्या होगा, सोल्व करो जल्दी से, आंसर क्या होगा बच्चों, क्या आंसर होगा जल्दी से सोल्व करो। देखते हैं, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास। सोडियम जो है 11 नंबर पे है, मैं बता चुका हूं सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो 2 और 2 4, 4 से 10 11, हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो बताओ s में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1, यहां पर क्या हो जाएगा 3s2, यहां पर क्या हो जाएगा 3p1, यहां पर 3p2, यहां पर 3p3, यहां पर 3p4, 3p5 और 3p6 बच्चों। चलो अभी हमने किया था लास्ट जो क्वेश्चंस किया था उसमें दिमाग लगाओ, हमने कैसे किया था सवाल, देखते हैं। आपके पास में जो सोडियम है ये इधर से इधर जाएंगे तो आकार क्या होगा आपके पास में बच्चों, इधर से इधर जब हम जाते हैं तो बच्चों आकार क्या होता है, इधर से इधर जाएंगे बच्चों तो आकार क्या होता है, कम, और आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। शायद लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें शायद हो सकता है हमारे पास हमने यहाँ पर गलत लिख दिया हो बच्चों, कि इधर से इधर जब हम जाते हैं तो आकार क्या होता है, कम, लेकिन आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो आकार है सबसे ज्यादा है, इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपके पास, देखो IE का क्रम, सबसे पहले कौन आएगा आपके पास में, सोडियम, कौन आएगा बच्चों, सोडियम। अब कौन आ गया, S2,
मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम आपके पास देखो एस टू है, एस में हम अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते, मतलब पूरा भरा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कक्षकों का स्थायित्व, कि आधे भरे हुए पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अपने से आगे वाले कक्ष की तुलना में क्या पाया जाता है, ज़्यादा। अतः इनकी आयनन ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले एक तत्व से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी आयनन ऊर्जा से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम, फिर कौन आएगा, सिलिकन। अब देखो बच्चों पी थ्री है आधा भरा हुआ, ये देखो पी फोर है, तो इसकी ऊर्जा इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, सल्फर, फिर क्या आएगा, फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर कौन आएगा, आर्गन। तो ये इसका क्या हो जाएगा पास में आंसर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। वापस से देख लो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है आर्गन, और आर्गन क्या होती है आपके पास में, अक्रिय गैस। क्या होती है बच्चों, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में बार बार बोल रहा हूँ, आवर सारणी में एक आवर्त में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा का मान अक्रिय गैसों का पाया जाता है, क्योंकि अक्रिय गैसों के कक्षकों का स्थायित्व तो बाकी कक्षकों की तुलना में या बाकी तत्वों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चों। तो ये इसका मान हो जाएगा कि ये अक्रिय गैस होगी बच्चों, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण और करते हैं बच्चों, उनके आपको सभी को आंसर देने हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। यहाँ पर है बच्चों आपके पास में लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन, ये तत्व दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। और आपसे बोला गया क्वेश्चन में निम्न तत्वों को उनकी आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है। इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ये देखो ये कौन से आवर्त के तत्व हैं, सेकंड आवर्त के। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जल्दी बताओ, लिथियम का 3 होता है, बोरोन का 5, नाइट्रोजन का 7, इसका 9, और इसका कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक, 10 हो जाएगा। अब हमें पता है कि आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार क्या होता है बच्चों आपके पास में, कम, और आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपके पास में, ज़्यादा होता है बच्चों। तो चलो सवाल करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला जो हमारे पास में कारक है उसके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए था, सबसे कम, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो लिथियम जो है बच्चों, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2s1, 1s2, 2s1। बोरोन का क्या होगा बच्चों, 2p1। नाइट्रोजन का 2p3, 2p5 और 2p6, ठीक है। अब ये बताओ आपके पास में ये s1 दिया हुआ था, मतलब इसका आकार सबसे ज़्यादा है, तो इसकी आयनन ऊर्जा IE का क्रम, इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिथियम। उसके बाद हमारे पास में कौन आ रहा है बच्चों, बोरोन, कौन आ रहा है, बोरोन, तो हम किसको लिख देंगे, बोरोन को। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर जो P3 दिया गया है, सर ये जो P है आधा भरा हुआ है, और अगर आधा भरा हुआ है तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कक्षकों का स्थायित्व, मतलब कि आधे भरे हुए वह पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अपने से आगे वाले एक तत्व की तुलना में या बाकी तत्वों की तुलना में क्या पाया जाता है, ज़्यादा। अतः इनकी आयनन ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले एक तत्व से ज़्यादा होता है। देखते हैं बच्चों, ये P3 है और यहाँ पर क्या है, P5 है। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था कि सर इसकी ऊर्जा जो है, मतलब आपके पास इसकी जो ऊर्जा है इससे क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, लेकिन इसकी जो ऊर्जा इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है, हमने बोला था इससे आगे वाला, अरे ये तो 7 नंबर है, इसके बाद में 8 नंबर का परमाणु तो आता है, वो तो है नहीं, ये तो 9 नंबर का है, तो अब ये प्रभाव इस पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आ जाएगा, नियोन। बच्चों कर सकते हो सवाल, चलो लास्ट सवाल और करते हैं। आपके पास मान लो क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, ये सवाल दिए गए बच्चों। अब बोला गया है कि इनकी आयनन ऊर्जा का क्रम लिखिए,
तो सबसे पहले सोडियम जो होता है 11 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 11, एल्यूमिनियम का 13, अब फास्फोरस का कितना होता है आपके पास में 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 बच्चों। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 3s1, इसका क्या होगा 3p1, इसका क्या होगा 3p3, इसका क्या होगा 3p4, और इसका क्या होगा 3p5। देखिएगा ये आपके पास में s1 हो गया। अब इधर से इधर जब आप जाओगे, क्योंकि ये आवर्त है, तीसरा आवर्त है, कौन सा है तीसरा आवर्त, और आवर्त में जब हम इधर से इधर जाते हैं तो बच्चों आकार क्या होता है कम, और आयनन ऊर्जा क्या होती है ज्यादा। लेकिन हमें एक और भी तो देखना है कारक, और वो कारक कौन सा है, कक्षकों का स्थायित्व। तो देखते हैं बच्चों सबसे बड़ा आकार इसका, तो सबसे पहले कौन आएगा सोडियम। अब देखते हैं आपके पास में P1 दिया हुआ है, कौन आएगा एल्यूमिनियम। अब आपके पास में P3 दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है P3, ये 15 नंबर है 16 नंबर है, बताओ आधा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो इसकी ऊर्जा का मान किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा अपने से आगे वाले एक तत्व। अब बताओ आगे वाला, ये 15 ये 16, क्या इससे आगे है कि नहीं है, बिल्कुल है। आंसर क्या आएगा आपके पास में, सल्फर फास्फोरस और फिर क्लोरीन बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।